टाइगर जिंदा है के बाद सलमान खान की अगली फिल्म आएगी रेस 3। जी हां, फिल्म के निर्माता रमेश औरानी ने फाइनल किया है कि फिल्म ईद 2018 में रिलीज होगी। फिल्म में सलमान और जैकलीन फर्नांडीज की जोड़ी होगी और फिल्म का निर्देशन करेंगे रेमो डिसूजा। बहरहाल इस फिल्म पर बात करते हुए रमेश औरानी ने कहा है कि रेस 3 इस फ्रेंचाइजी की बाकी दो फिल्मों से काफी अलग होने वाली है। यह पहली दो फिल्मों से ज्यादा बड़े स्तर पर बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म मल्टी स्टारर होगी। याद दिला दे, रेस में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर मुख्य किरदारों में थे। वहीं रेस 2 में सैफ अनिल कपूर के साथ दिखे थे जॉन अब्राहम। लेकिन रमेश तौरानी ने जानकारी दी कि रेस 3 की कास्ट पूरी तरह से अलग होगी। अफवाहों की माने तो फिल्म में डीजी शाह भी होंगी। शूटिंग शुरू फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी ने बताया, अभी बाकी कास्ट और क्रू फाइनल होना है। अक्टूबर से शूटिंग मुंबई में शुरू होगी, फिर उसके बाद लगभग सारी शूटिंग विदेश में ही फिल्माई जाएगी। इंटरनेशनल लोकेशन निर्माता रमेश औरानी ने कहा, फिल्म मुख्य तौर पर इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट की जाएगी। फिलहाल सारे डेट्स फाइनल करने पर काम किया जा रहा है। तीन हीरोइनें, सूत्रों की माने तो फिल्म में तीन हीरोइनें होंगी। जैकलीन और डेजी शाह को लगभग कंफर्म माना जा रहा है, जबकि तीसरी एक्ट्रेस की खोज जारी है। बदल गए डायरेक्टर। बता दें, रेस और रेस 2 का निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया था, लेकिन रेस 3 के लिए सलमान खान ने निर्माता को रेमो डिसूजा का नाम सुझाया था। बिग बी का साथ। सूत्रों की माने तो बिग बी को रेस 3 के लिए अप्रोच किया गया है और काफी उम्मीद है कि वो फिल्म के लिए इनकार नहीं करेंगे। अगले हफ्ते घोषणा। निर्माता की माने तो अगले कुछ दिनों में फिल्म की पूरी कास्ट और फिल्म की रिलीज डेट की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। सैफ अली खान का बयान। सैफ ने कहा, रमेश ने मुझे बताया था कि वो रेस 3 बनाना चाहते हैं, लेकिन एकदम नई कास्ट के साथ। वो करीबी दोस्त हैं तो मैंने उन्हें समर्थन दिया। और फिर सलमान से बेहतर इस रोल के लिए कौन हो सकता था।